करते हैं, जैसे 1275 के लिए आपको पीटी जिन अभ्यर्थियों ने पास किया है उनका सेंटर अलर्ट हो चुका है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, इनका सेंटर अलर्ट हुआ। आप मेंस अच्छे से दीजिए और वैसे ही पूरी तरह फिजिकल में लगिए, क्योंकि आप सभी को फिजिकल बहुत ज़रूरी है। आप मेंस दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चे पिछले बार ऐसे थे कि 10 दिन 5 दिन पाए, बोले कि हमसे नहीं, वैसे ही छोड़ दिए। ऐसा नहीं करना है, आपको आखिरी मुकाम तक लड़ना है, तभी जाकर आपकी जीत सुनिश्चित होगी। और रही बात मेंस में, मेंस आपका बेहतर जाएगा, ये तो आप पढ़ाई किए हैं उस पर डिपेंड करता है, लेकिन फिजिकल के लिए आपको ग्राउंड पकड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम मुझे लग रहा है कि वो पहले जैसा जितना समय दिया था 28 दिन, सेम उतना ही समय देगा, क्योंकि उन मार्च के लास्ट तक आपको फिजिकल होने की संभावना है। तो जितने भी छात्र छात्राएँ हैं वो पूरी तरह से अपने फिजिकल पे कहीं ना कहीं अपने लिए मेहनत करें, अन्यथा वो ऐसा समय आएगा कि आखिरी समय में आपसे कुछ नहीं होगा। और लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, उसमें हम भी आपको सीजर नहीं है, पिछले 2-3 साल से इसी सब सीजर है, सॉरी लेथी नहीं है, टाइगर नहीं है। टाइगर ना होने के कारण बहुत सारे बच्चा के एंकल पकड़ लेता है लॉन्ग जंप हाई जंप करने में। सबसे दिक्कत होता है आपको लॉन्ग जंप करने में, या लड़का हो या लड़की, उसके लिए कंटिन्यू मारते जाता है, एक बार नहीं होता, दो बार नहीं होता। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो अपने आप पे मेहनत करना पड़ेगा, थाई को मजबूत करना पड़ेगा। जैसे कि दरोगा के जितने भी अभ्यर्थी हैं, मेहनत हमारे सर द्वारा कराया जा रहा है, पीछे हमारे पीछे जो देख रहे हैं वो टोटली दरोगा का बच्चा है। आप सभी भी जितने भी छात्र छात्राएं हैं और जिनको भी फिजिकल करना है, दरोगा का बेहतर तरीका है। सबसे बढ़िया तो आपको थाई मजबूत करना पड़ेगा, अगर रनिंग करना है तो थाई पकड़ता है, आप एक राउंड दौड़ते हैं थाई पकड़ लेगा, मन करेगा कि रुक जाए, ऐसा नहीं। जब तक थाई मजबूत नहीं होगा, एंकल मजबूत नहीं होगा, तब तक ना लॉन्ग जंप होगा, ना रनिंग होगा, ना हाई जंप होगा। और गोला तो बेसिकली सब लोग फेंक लेता है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे कठिनाइयाँ होती है। तो आप सभी को जितने भी छात्र छात्राएँ हैं वो अपना कहीं ना कहीं रनिंग करते रहें। बिहार फिजिकल एकेडमी ये बैच शुरू किया है ओनली फॉर दरोगा के लिए, और बेहतर तरीका से उसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण जैसे कि अभी उन लोगों को रनिंग के बाद कैसे थाई मजबूत किया जाता है, कैसे एंकल को मजबूत किया जाए जिसमें दौड़ते समय पेट में दर्द ना हो, ये हाथ पकड़ लेता है, इस सब का अभी बेसिकली इंडोरेंस हम लोग करा रहे हैं। आप जितने भी हैं अगर मेहनत करना चाह रहे हैं, अपने कंधे पर स्टार लेना चाह रहे हैं, तो बिहार फ्यूचर रनिंग एकेडमी ज्वाइन कीजिए। 100% आपको सफलता दिलाने के लिए यहाँ के प्रशिक्षक आपके साथ एकदम कदम से कदम मिला के रनिंग करेंगे। जैसे अभी रनिंग किया गया है तो लड़की लोग का अलग रनिंग हो रहा है, लड़का लोग का अलग हो रहा है, और बेसिकली दोनों का कंबाइन करके हम लोग एक्सरसाइज करा रहे हैं, क्योंकि दो ये ऐसा ना हो कि किन्हीं को भाव में ये थी हो जाए, दोनों का कंबाइन एक्सरसाइज होगा तो सेम एक्सरसाइज होगा। तो उन लोगों लड़की लोगों में क्या दिक्कत होता है, गोला फेंकने में थोड़ा दिक्कत होता है, और रनिंग जो है वो तो आप फास्ट कीजिएगा तभी जाके आपके लॉन्ग जंप हो पाएगा, क्योंकि वो रनिंग पे ही डिपेंड है। लॉन्ग जंप हाई जंप 3 फीट है, बेसिकली सबको ही मार लेगा। लेकिन जैसे अभी मेहनत हम लोग करा रहे हैं, जैसे ये घुटना हुआ, सबसे तो दिक्कत होता है लड़का लोग को ये एंकल पकड़ने के, ये एंकल ये सही से नहीं हो पाएगा तो फिर दर्द हो जाए। उसके लिए रनिंग कैसा करना पड़ेगा, उसके लिए जूता कौन सा ले, ये सबसे बड़ी बात है। जूता आप लोग के अगर दरोगा के आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरे तरफ से आपको जूता सबसे बेहतर होगा कलेंजी का, आप लोग जूता लीजिए, आपके दौड़ने के लिए बेहतर जूता है। और उसको हमेशा सॉक्स के साथ पहनिए, मोजा के साथ पहनिए, नहीं तो आपको ये रनिंग कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारा दिक्कत होगा। मोजा हो और हाफ पैंट लीजिए और एक टी शर्ट लीजिए, इसके लिए बेहतर रहेगा। आप जूता खाली पैर कहीं मत दौड़िए, क्योंकि आपका पैर का डैमेज होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। इसलिए आप सभी बेहतर और फिजिकल लेना चाह रहे हैं, 100% सफलता लेना चाह रहे हैं, तो बिहार फिजिकल रनिंग एकेडमी यूट्यूब पर भी है, फेसबुक पर भी है, ये इसको इतना लाइक सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो भी छात्र छात्रा इधर उधर भटक रहे हैं अभी तो वो सब जुड़ जाए, संस्थान से जुड़ेंगे 100% रिजल्ट देंगे। पूरे गांधी मैदान में ये हम दावा के साथ कह रहे हैं कि जितने भी नंबर और छात्र हैं 100% रिजल्ट देने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं और पूरा मेहनत कराते हैं, जी जान लगा के मेहनत हम लोग कराते हैं। और रही बात ये अभिन लोग दिखाने के चक्कर में अभिन से ही लोग हाई जंप का वीडियो बना रहे हैं दरोगा, नया नया स्टूडेंट का, और उसका लॉन्ग जंप करा रहे हैं। बताइए कितना मूर्खता है कि अभिन आपका मेंस बाकी है, बच्चा जब उसको हाई जंप करा रहे हैं, वो भी बेसिकली धरा पड़वा हाई जंप करा रहे हैं आपका नाम माहौल बनाने के लिए, तो ऐसा नहीं होगा। वो बच्चा को आप गुमराह कर रहे हैं और बच्चा भी वैसा ही है कि देख के उसमें चल जा रहा है, तो ये वो बच्चा के ऊपर डिपेंड है। आप लोग अपने एकेडमी को देखिए, भीड़ जहाँ है उससे बचिए, भीड़ से बचिए, और अपने अनुसार घूम के देखिए पूरे एकेडमी में कौन बेहतर है आपके लिए, कैसे आपको रनिंग करा सकता है, ये बोल चाल पे मत जाइए, आप अपने अनुसार देखिए तब आप एकेडमी ज्वाइन कीजिए। और 100% फिजिकल के लिए हम जिम्मेदार हैं, आप जुड़िए संस्थान से, आपका रिजल्ट बेहतर होगा। जय हिंद।